दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। हम अभी यहां किसी स्कूल की तरफ से नहीं आए, हम लोग यहां पे पूरे पेरेंट्स यूनियन की तरफ से आए हैं। ऑल ओवर अजमेर के जो पेरेंट्स हैं वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं। अजमेर फेसबुक पे हम लोगों ने एक पेरेंट्स यूनियन का ग्रुप बनाया है, उसके भी आप पे सारे पेरेंट्स आए हैं, जिसके अंदर सारे स्कूल के पेरेंट्स हैं यहाँ पे। और सब स्कूल के पेरेंट्स का यही कहना है कि स्कूल ने जो दबाव बनाया है फीस को लेकर, फीस वृद्धि को लेकर, बुक्स को लेकर या GST को लेके, ऑनलाइन क्लासेस को लेके, और जो स्कूल ओपन होने की बात हो रही है तो जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। आज आप कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी ये कार्रवाई, ADM साहब और कलेक्टर साहब दोनों ने हमारी बात को ढंग से सुना और दोनों ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई आगे तक पहुँचाई जाएगी। आप हमसे उम्मीद करिए कि आपको 5-7 दिन के अंदर रिजल्ट दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी जैन। भैया, हम अपनी असल परिस्थिति और परेशानी को लेकर आए हैं, जो कुछ कोरोना की वजह से हमारे जीवन में उत्पन्न हुई है। हमारा स्कूल से किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि जिस तरह की महामारी में बच्चों पर और बुजुर्गों पर ये अटैक कर रहा है, हम बच्चों को इस साल स्कूल नहीं भेजना चाहते। हम चाहते हैं इसे 0 ईयर बनाया जाए, 0 ईयर घोषित किया जाए। हमसे एक रीजनेबल फीस अगर स्कूल हमें प्रमोट करती है हमारे बच्चों को इस ईयर के लिए, तो जैसे 5 महीने निकल चुके हैं अप्रैल से, अभी तक 5 महीने अगस्त तक स्कूल बंद रख रही है गवर्नमेंट। हम चाहते हैं आगे 5 महीने पढ़ाने के लिए बेवजह जोर डाल के हम मानसिक प्रताड़ना में स्कूल से आपस में विवाद में फंसना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, इस साल स्कूल 0 ईयर घोषित किया जाए, बच्चों को नहीं बुलाया जाए। पहली प्रमुख मांग हमारी यही है। उसके बाद डिमांड है फीस की, वो जो ये बात है जायज़ हम देने को तैयार है, न्याय संगत बात हो। हम स्कूल से विवाद में नहीं फंसना चाहते, हम एक आम आदमी है। हम कोई पार्टी वार्टी, कोई कांग्रेस BJP कोई नेता दल से हम नहीं आए हैं। हम लोग सब पेरेंट्स हैं। हम जो असल परेशान है वो परिस्थिति आपके सामने रख रहे हैं। हमें स्कूल, बच्चों को प्रमोट करें, इस साल स्कूल नहीं बुलाया जाए किसी भी सूरत में। हम कलेक्टर साहब से भी मिलकर के सिर्फ जो ज्ञापन दिया है उसमें उन्होंने आश्वासन कार्रवाई का दिया है, लेकिन बात इतनी सी है, मेजर बात है, हमारे को सिर्फ स्कूल बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं हम। जो सरकार जल्दी एक्शन ले हमारे बीच में और स्कूल के बीच में, सरकार आए और इस मसले को हल करे। हम फीस देने को तैयार होंगे, एक लिमिटेड और वाजिब फीस हो। हमने सिर्फ 2-3 मेजर डिमांड रखी है। पहली, बच्चा स्कूल नहीं भेजा जाए इस साल। दूसरा, 3 महीने की फीस माफ़ की जाए और बाकी फीस अगर आप बच्चे को प्रमोट करते हैं तो वाजिब, सब माँ बाप देने को तैयार हैं। कोई स्कूल से विवाद में हम नहीं फंसना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हमारे कोई बच्चे, क्योंकि बच्चे हमारी जान से ज़्यादा कीमती हैं, हम उन्हीं के लिए सब कुछ मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट इस पर जल्दी एक्शन ले। विक्रम सोनी नाम है मेरा।